एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरी मसाला भिंडी, जिसे रोटी, पूरी, पराठे, दाल, चावल, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ साथ कुरकुरी भी है। भिंडी की भुंजिया और सब्जी तो आपने कई बार बनाए होंगे और खाए होंगे। एक बार इस तरीके से कुरकुरी भिंडी बना करके देखिए, आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी लिया है और भिंडी को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो करके इनको किचन टॉवल से पोंछ करके पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाए। भिंडी में ज़रा सा भी पानी ना रहे, नहीं तो भिंडी है वो अच्छे से कट नहीं हो पाएंगे और भिंडी की सब्जी और भुंजिया परफेक्ट नहीं बनती है जब इसमें पानी रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भिंडी का पानी अच्छे से सूख गया था। अब इनको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक चाकू की हेल्प से इनको सबसे पहले हेड और टेल को कट किया है। उसके बाद इनको मैंने बीच से इस तरह से कट का निशान लगाया है। अगर भिंडी बड़े साइज के हैं तो उनको 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा। अगर भिंडी छोटे साइज के हैं तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ एक ही चीरा लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पर छोटे बड़े सभी साइज के भिंडी ले लिए हैं। इनको मैंने देखिए इस तरह से कट करके एक प्लेट में रख लिया है। सारे भिंडी को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब इनको हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे भिंडी को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच बेसन का यूज किया है। अगर बेसन कम लगेगा तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बेसन को सबसे पहले छान करके ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन डाला था, वो परफेक्ट थे। तो यहाँ पर अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मसालों मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक भी ऐड किया है और इनमें खट्टापन के लिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस लिया है। 1 नींबू को मैंने इस तरह से कट करके इनके बीज को निकाल करके और इनको उसके बाद हमने निचोड़ करके लिया है। आप चाहे तो नींबू की जगह पर चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके पहले हम हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद हम हाथों से ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मिश्रण यहाँ पर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच पानी भी डाला है ताकि जो भिंडी है वो अच्छे से मसाले और बेसन में कोटिंग हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें पानी ज़रूर डालिएगा। और इनको हमें पकोड़े की तरह गीला नहीं रखना है, इनको हमें ड्राई ही रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको थोड़ा सा ड्राई ही रखा है और इस तरह से हमें इनको मिक्स करना है कि एक एक भिंडी में मसाले और बेसन है वो अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो अब इनको चलते हैं हम फ्राई करने। तो इनको हम डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में इनको हम अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने हाई ही रखा है और जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक एक भिंडी को इस तरह से हम ऑयल में डालेंगे। इस तरह से आप एक एक भिंडी को डालिएगा ना तो ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और जो भिंडी है वो अच्छे से क्रिस्पी भी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 बेज के भिंडी को डाल दिया है तेल में। 3-4 बेज लगे थे हमें भिंडी को बनाने में और इस तरह से देखिए हमारे जो भिंडी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। 2-3 मिनट लगे थे, गैस का फ्लेम हमने मीडियम पर ही रखा था और भिंडी को मैंने क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इनको हम तेल से निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक छलनी की मदद से इनको निकाल लिया है। अब सारे भिंडी को हम टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो एक बेच के मैंने इस तरह से बना लिए हैं। बाकी के जो भिंडी है उसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे भिंडियों को हमने फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि सारे भिंडी है वो अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया था। अब हम वही कढ़ाई को फिर से साफ़ करके और गैस ऑन करके चढ़ाएंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर अब सरसों तेल का यूज किया है। तेल को अच्छे से फिर हीट गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ फ़ौरन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लहसुन को हमें जब तक भूनना है जब तक इनका कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन भी अच्छे से भून चुका है, इनका जो कलर वो भी ब्राउन हो चुका है। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज के कट किए हुए प्याज
और प्याज को भी हम हल्के गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कट किया हुआ, और साथ ही साथ इसमें हम 1 बड़े साइज के टमाटर को भी अच्छे से कट करके मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीजों को मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि नमक फ्राई करते समय भी हमने इसमें डाला है। तो लगातार चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है टमाटर को भी। अब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसाले को मिक्स करते हुए भुनेंगे। मसाले जले नहीं उसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों में हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और मसाले को कवर करके 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो स्लो गैस पर मैंने टमाटर और मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब देख सकते हैं कि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसालों ने किनारे किनारे से ऑयल रिलीज कर दिया है। मसाले परफेक्ट भून चुके हैं। अब इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले परफेक्ट भून चुके हैं और धनिया की पत्ती भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसी के साथ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो हमने फ्राई किया है ना बेसन और भिंडी, उनको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों में हमने भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि मसालों और भिंडी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब ये परफेक्ट तैयार है सर्व करने के लिए। अब इनको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। और अभी भी देख सकते हैं कि ये मसाले और भिंडी एकदम परफेक्ट कुरकुरे बने हैं। आप इसे रोटी पूरी पराठे दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाना बिल्कुल आसान, बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट स्टाइल हमने इसे बनाया है। तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। With the